जय हिंद टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस नॉट गेट दिस इज ए लॉजिकल सिंपल फॉर नॉट गेट इफ यू अप्लाई जीरो एट इनपुट एट आउटपुट यू विल गेट वन इफ यू अप्लाई वन एट इनपुट एट आउटपुट यू विल गेट जीरो व्हाट इज ट्रुथ टेबल देर इज सिंगल इनपुट ए तो इन वाइनरी देयर आर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ ए कैन बी आइदर देर जीरो और वन दिस इज फॉर आउटपुट अगर इनपुट में जीरो अप्लाई करोगे आउटपुट में वन मिलेगा अगर वन अप्लाई करोगे तो आउटपुट में जीरो मिलेगा नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन बाई यूजिंग एसओपी हेयर वी आर गेटिंग आउटपुट वन फॉर दिस वन कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म कैन बी रिटर्न एज जीरो को हम ए बार लिखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट इज वाई इक्वल टू ए बार तो सिंपली लॉजिकल एक्सप्रेशन इन द केस ऑफ नॉट गेट वाई इक्वल टू ए बार लेट अस डिस्कस टाइमिंग डायग्राम इनपुट में हमने ये बेफॉर्म अप्लाई किया है ये जो हाई वोल्टेज है इसको हमने लॉजिक बन से रिप्रेजेंट किया है और ये जो लो वोल्टेज है इसको हमने लॉजिक जीरो से रिप्रेजेंट किया है इसको हमने नोट गेट में अप्लाई किया आउटपुट होगी वो इनपुट ए का कॉम्प्लीमेंट होगी यहां पर इनपुट जीरो थी तो आउटपुट में लॉजिक वन मिला इस ड्यूरेशन में इनपुट वन थी तो आउटपुट में जीरो मिला ये जो बेफॉर्म है ये आइडियल नॉट गेट की है आइडियल नोट गेट के केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रोपेगेशन डिले है वो होता है जीरो वट इज प्रोपेगेशन डिले टाइम टेकन दिस नोट गेट टू गिव आउटपुट पर एक्चुअल में प्रोपेगेशन डिले जीरो नहीं होता एक्चुअल के केस में कोई भी गेट होगा अगर हम उसको इनपुट देंगे तो वो कुछ टाइम लेगा आउटपुट जनरेट करने में इज एक्चुअल आउटपुट डायग्राम इस केस में एट टाइम टी जीरो में चेंज नहीं हुआ इस केस में टी प्लस वन नैनो सेकेंड दिस इज अ प्रोपेगेशन डिले इट कैन बी एनी वैल्यू टी प्लस वन नैनो सेकेंड के बाद वन से जीरो ट्रांजिशन हुआ आप देख सकते हो इनपुट में एट टाइम टी जीरो जीरो से वन चेंज हुआ आउटपुट में जो चेंज हुआ वो एट टाइम टी नहीं हुआ वो कुछ डिले बाद हुआ जीरो प्लस वनो से प्रोपेगेशन डिले नो वी विल डिफरेंशियट बिटवीन बफर एंड बाइ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिस इज ए सर्किट डाइग्राम ऑफ बफर इन दिस केस वी हैव यूज टू नोट गेट अगर इनपुट में जीरो अप्लाई करता हूं देन आफ्टर टीपीडी टीपीडी क्या होता है प्रोपेगेशन डिले ऑफ दिस लॉजिक गेट सिंपली टाइम टेकन वाई लॉजिक गेट टू गिव आउटपुट मुझे यहां पर वन मिलेगा इसी तरह से ये वन आगे नॉट गेट में अप्लाई किया है देन अगेन आफ्टर टीपीडी मुझे यहां पर zero मिलेगा मतलब अगर इनपुट में जीरो अप्लाई किया आउटपुट में हमें जीरो ही मिलेगा वट आफ्टर टू टीपीडी टाइम इसी तरह से अगर इनपुट में वन अप्लाई करता तो मुझे यहां आफ्टर टीपीडी जीरो मिलना था अगेन आफ्टर टीपीडी यहाँ वन मिलना था तो इनपुट में अगर मैं वन अप्लाई करता तो अगेन आफ्टर टू टीपीडी मुझे आउटपुट में वन मिलना था तो बफर के केस में क्या होता है जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे वही हमें आउटपुट में मिलता है और कितने टाइम बाद हमें इनपुट आउटपुट में मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि हमने कितने नोट गेट यूज किए हैं बफर के केस में जो नोट गेट होते हैं वो इवन में होते हैं यहां पर हमने टू यूज किए हैं फोर भी कर सकते हैं सिक्स भी यूज कर सकते हैं एट भी यूज कर सकते हैं तो सिंपली इज़ बफर? इफ बी अप्लाई जीरो बी गेट जीरो नंबर ऑफ नोट गेट्स शुड बी इन इवन एग्जाम्पल टू फोर सिक्स एट एक्सेट्रा नाउ वट इज वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर केस में क्या होता है पहले हम बफर का सर्किट बनाएंगे दिस इज अ बफर सर्किट यहां पर जो नोट गेट है वो इवन में है फिर हम फीडबैक यूज करेंगे फीडबैक में क्या होगा ये जो आउटपुट है अगेन इसे हम इनपुट में अप्लाई कर देंगे इनिशियली मैंने जीरो अप्लाई किया जीरो का यहां पर वन बनेगा अगेन वन का जीरो बनेगा अब ये जो जीरो है अगेन यहां पर इनपुट चली जाएगी ड्यू टू फीडबैक फिर जीरो का वन बनेगा अगेन वन का जीरो इसी तरह से प्रोसेस आगे चलता रहेगा और जीरो मेंटेन रहेगा सेम अगर इनपुट में मैं वन अप्लाई करता यहां पर जीरो मिलना था अगेन आउटपुट में वन मिलना था फिर ये वन यहां पर आ जाना था ड्यू टू फीडबैक फिर यहां पर जीरो मिलना था जीरो का अगेन वन इसी तरह से प्रोसेस आगे चलते रहना था और वन हमेशा मेंटेन रहना था तो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है अगर इनिशियली मैंने इनपुट जीरो अप्लाई की तो आउटपुट हमेशा जीरो ही मेंटेन रहेगी मैं क्या बोल सकता हूं एक स्टेबल स्टेट जीरो ही मेंटेन रहेगी इसी तरह से अगर हम इनपुट वन अप्लाई करते तो आउटपुट में हमेशा एक स्टेबल स्टेट वन ही मेंटेन रहनी थी यहां पर टू स्टेबल स्टेट हैं। एक है लॉजिक जीरो और जो दूसरी है वो है लॉजिक वन इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेबल वाई का मतलब टू टू स्टेबल स्टेट्स। इफ बी अप्लाई जीरो इनपुट आउटपुट विल रिमेन एट जीरो स्टेबल स्टेट इन सेम वे इफ बी अप्लाई वन एट इनपुट आउटपुट विल रिमेन एट वन स्टेबल स्टेट इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक मेमरी एलिमेंट वाई वी कॉल इट बेसिक मेमरी एलिमेंट जैसे इनिशियली मैंने यहां पर इनपुट में वन अप्लाई किया था अब आउटपुट में हमेशा वन ही में इसका क्या मतलब है ये जो वन है वो स्टोर हो चुका है इसी तरह से अगर मैं जीरो अप्लाई करता तो आउटपुट में यह जीरो मेंटेन ही रहना था ड्यू टू फीडबैक एज ए जीरो स्टोर हो चुका है इसीलिए इसको बोला जाता है बेसिक मेमोरी एलिमेंट वी विल स्टडी अ स्टेबल मल्टीबाइवरेटर। अभी हमने बाई स्टेबल मल्टीबाइवरेटर स्टडी किया था चाहिए इवन में अस्टेबल केस में क्या होगा हो जो हम नोट गेट यूज करेंगे वो ओड में होने चाहिए जैसे इस केस में वन नोट गेट है दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइबरेटर अगर मैं यहां पर जीरो अप्लाई करता जीरो का क्या बनना था वन आफ्टर टीपीडी जीरो का वन बनना था अब ये वन अगेन यहां आ जाना था ड्यू टू फीडबैक फिर आगे नोट गेट है अगेन फिर आगे प्रोसेस चलना था, यहां पर फिर आना था वन अब आप यहां पर देखो इनिशियली मैंने जीरो अप्लाई किया अब यहां पर जो आउटपुट है उसमें चेंज हो रहा है one, zero, one, zero. कोई स्टेबल स्टेट नहीं मिल रही है यहां पर फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई वन जीरो इसीलिए इसको बोला जाता है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर अब क्लास ये जो आउटपुट है one, zero, one, zero. यहां पर क्या हो रहा है पहले जीरो से वन चेंज हुआ आप कहीं से भी शुरू करो मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ जीरो से वन चेंज हुआ फिर वन से जीरो चेंज हुआ जीरो से वन चेंज हुआ, वन चेंज हुआ. फिर, वन चेंज हुआ. फिर वन से जीरो चेंज हुआ अब क्लास यहां देखो इनिशियली जीरो था जैसे ही जीरो अप्लाई किया इस नोट गेट का कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा प्रोपेगेशन डिले क्या होता है टाइम टेकन द सर्किट टू गिव आउटपुट जैसे ही जीरो से वन बन बनेगा ये कुछ टाइम बाद बनेगा इसको बोला जाता है प्रोपेगेशन डिले फिर आगे वन से जब जीरो बनेगा अगेन इट विल टेक टाइम इट इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले ऑफ दिस नोट गेट तो जीरो से वन बनने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज

यहां पर अगेन जीरो से वन चेंज होने के लिए टाइम लगा टीपीडी अब आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है यहां पर हमें स्क्वेयर वेव मिल रही है इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वेयर वेव जनरेटर इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्लॉक जनरेटर वी कैन ऑल्सो यूज इट एज ए क्लॉक हम फ्लिप्लोप में क्लॉक यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक यूज करते हैं इसी तरह से ये जो आउटपुट है इसको हम क्या बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ फ्री रनिंग सर्किट इन सेम वे इस आउटपुट को हम आउटपुट ऑफ रिंग ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं अब क्लास हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे ये जो स्क्वेयर वेव है इसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड क्या होता है आफ्टर हाउ मच टाइम बेब स्टार्ट टू रिपीट इट अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहां से लेता हूं तो आप यहां देखो यहां से लेके यहां तक इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड इस पॉइंट के बाद बेब ने अपने को रिपीट करना शुरू कर दिया जैसे जीरो से अगेन जीरो पीरियड अगेन जीरो टाइम पीरियड क्या होगा टीपीडी प्लस टीपीडी डेट इज टू टीपीडी इसी तरह से ये जो बेव है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है डेट इज वन वाई टू टीपीडी अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ अ मल्टी वाइब्रेटर यहां पर जो नोट गेट है वो ओड है अगर नंबर ऑफ नोट गेट ओड में होंगे और फीडबैक यूज किया होगा इट एग्जांपल ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइबरेटर अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर केस में क्या होता है आउटपुट में लगातार चेंज रहता है जैसे इनपुट मैंने यहां पर जीरो अप्लाई किया यहां पर, पर जीरो मिलेगा अगेन वन अब ये यहां 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 पर 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 चला जाएगा ड्यू टू फीडबैक अगेन 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 मिलेगा येगा इसी तरह प्रोसेस आगे चलेगा यहां पर वन मिलेगा जीरो वन इनिशियली मैंने जीरो अप्लाई किया था तो यहां पर जो आउटपुट है उसमें लगातार चेंज हो रहा है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अब क्लास यहां पर देखो अनिशली जीरो से वन हुआ तो कितना टाइम लगेगा टीपीडी दिस इज अ प्रोपेगेशन डिले ऑफ दिस नॉट गेट अगेन वन से जीरो होने के लिए अगेन टीपीडी लगा अगेन जीरो से वन होने के लिए अगेन टीपीडी लगा तो आउटपुट में चेंज कैसे हो रहा है अगर मैं यहां से शुरू करता हूं जीरो से वन वन से जीरो जीरो से वन वन से जीरो इसी तरह आगे प्रोसेस चलता रहेगा अब इनपुट मैंने जीरो यहां पर अप्लाई किया तो आउटपुट मुझे यहां पर वन मिला अब ये कितने टाइम बाद मुझे वन मिला टीपीडी प्लस टीपीडी प्लस टीपीडी थ्री टीपीडी तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा जीरो से वन होने के लिए टाइम लगा थ्री टीपीडी इसी तरह से ये जो वन था ड्यू टू फीडबैक यहां पर चला गया था यहां पर मैंने वन अप्लाई किया और यहां पर आउटपुट जीरो मिला अगेन कितना टाइम लगा था टीपीडी प्लस टीपीडी प्लस टीपीडी थ्री टीपीडी अगेन यहां पर अगेन थ्री टीपीडी इसी तरह आगे भी थ्री टीपीडी थ्री टीपीडी अगर हम बे बनाएंगे तो इस तरह बनेगा यह होगा थ्री टीपीडी इसी तरह से यह जो ड्यूरेशन है इट इज अगेन थ्री टीपीडी दिस इज अगेन थ्री टीपीडी दिस इज अगेन अब टाइम पीरियड टाइम पीरियड कितना होगा अगर मैं रेफरेंस यहां से शुरू करता हूं तो इस रेफरेंस के बाद ने अपने आप को रिपीट किया है तो थ्री टीपीडी प्लस थ्री टीपीडी सिक्स टीपीडी अब क्लास इसको मैं समराइज करके कैसे लिख सकता हूं टू इंटू एन इंटू टीपीडी एन क्या है नंबर ऑफ नोट गेट विच यू हैव यूज यहां पर मैंने थ्री यूज किए थे इसीलिए प्रोपेगेशन डिले ऑफ वन नोट गेट जो एक नोट गेट का प्रोपेगेशन डिले होगा वो ही बाकियों का भी होगा क्लास ये हमें न्यूमेरिकल दिया है दिस इज एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर ओड वन टू थ्री फोर फाइव हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड स्क्वेयर वेव फार्मूला हमें पता है पहले हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे टू इंटू एन इंटू टीपीडी प्रोपेगेशन डिले ऑफ इच नोट गेट टू इंटू एन यहां पर टोटल नोट गेट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव और जो प्रोपेगेशन डिले है हमें दिया हुआ है एक नोट गेट का हमें दिया हुआ है बाकी का भी यही होगा डेट इज हंड्रेड पी सेकेंड हंड्रेड इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस ट्वेल्व इंटू सेकेंड इसी तरह से यह होगा वन थाउजेंड इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेल्व इट कैन बी रिटर्न एज टेन रेस टू पावर माइनस नाइन सेकेंड और ये किसके बराबर होता है वन नैनो सेकेंड

एक नोट गेट का प्रोपेगेशन डिले टू नैनो सेकेंड दिया है इसी तरह ये जो बाकी नोट गेट हैं इनका भी प्रोपेगेशन डिले टू नैनो सेकेंड होगा टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टू इन टू एन टीपीडी प्रोपेगेशन डिले ऑफ नोट गेट टू इन एन यहां पर टोटल थ्री नोट गेट यूज किए हैं और प्रोपेगेशन डिले दिया है टू नैनो सेकेंड आंसर इज ट्वेल्व 10 raised to power minus 9 second yes simply you can write it 12 nanosecond